हेलो बच्चों बच्चों इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन। कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन। इसका मतलब है, ये क्या कंडीशन है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो एंटर कर रही है लेकिन रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है लाइट का, रे का रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होने का मतलब द रे ऑफ लाइट इज नॉट बेंडिंग टुवार्ड और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से देख लें और लर्न कर लें। इसकी सिर्फ दो कंडीशन होती हैं। कंडीशन नंबर वन, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए बाउंड्री। ऐसा कब हो सकता है? व्हेन लाइट इज इंसिडेंट, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए बाउंड्री। इसको समझने के लिए हम डायग्राम की हेल्प लेंगे। वही डायग्राम बनाएंगे जैसे हम पहले बनाते आ रहे हैं, इंटरफेस एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा मैंने, मैं लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, जिस जहाँ हम नॉर्मल ड्रॉ करते थे पहले, नॉर्मल टू द सरफेस ऐसे ड्रॉ करते थे हम, तो ये इस केस में ये रे ऑफ लाइट ही नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रही है, ये ऐसे आ रही है रे, ये इंसिडेंट रे है ओ ए और रिफ्रैक्टेड रे है ओ बी। ठीक है, यहाँ पर ये बच्चों एक ख़ास बात है, यहाँ पर ये एंगल कितना है 90 डिग्री का और ये भी एंगल है 90 डिग्री का। ठीक है, तो इस केस में एंगल आई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एंड एंगल आर इज़ आल्सो ज़ीरो डिग्री, ये दोनों ज़ीरो डिग्री के एंगल हैं। ठीक है, ये है हमारा मीडियम वन और ये मीडियम टू। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम वही स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे जैसा मैंने अभी आपको बताया। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इक्वल टू ज़ीरो डिग्री। ठीक है, अकॉर्डिंग स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम और थोड़ा सा अलग तरीके से रीअरेंज करेंगे। कैसे? इसी इक्वेशन से रीअरेंज करेंगे, साइन आर इक्वल टू एन वन अपॉन एन टू इंटू साइन आई। यही इसी ऊपर वाली इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया है तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। ठीक है, और ये वैल्यू इक्वल टू, इसको आगे यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, एन वन अपॉन एन टू इक्वल टू साइन, अब देखो एंगल आई की वैल्यू क्या है ज़ीरो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन आई, एंगल आई की जगह क्या आ जाएगा ज़ीरो डिग्री, और ये इक्वल टू सारा क्या हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है,
तो ये साइन आर की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू ज़ीरो डिग्री। ठीक है, अब जब एंगल ऑफ जो वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस की है और वही वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की है, तो यहाँ पर लाइट जो जो रे है, रे ऑफ लाइट है, वो बेंड नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज इन मीडियम टू लाइट पासिस इन मीडियम, दैट इज व्हेन लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन इंटरफेस नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ठीक है बच्चों। अब इसकी जैसे मैंने बताया था आपको, इसकी दो कंडीशन है। दूसरी कंडीशन अब हम डिस्कस करेंगे। दूसरी कंडीशन में ऐसा कब हो सकता है कि कोई भी रिफ्रैक्शन ना हो, लाइट रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है वन मीडियम से दूसरे मीडियम में और कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा कब होता है, व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ टू मीडियम आर इक्वल, जब दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की वैल्यू सेम होती है, व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ टू मीडिया आर सेम, दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम होती है। ठीक है बच्चों, इसको भी हम थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंटरफेस एक्स वाई नॉर्मल टू द इंटरफेस एन एन डैश। ठीक है, अब जब यहाँ पर क्या है, ये मीडियम वन है और ये मीडियम टू। ठीक है, इसका इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन इक्वल टू एन और एन टू भी इक्वल टू क्या होगा एन। ये हमने एन वन और एन टू दोनों के इक्वल टू क्या एन हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दोनों मीडियम की सेम है। तो बच्चों इस कंडीशन में ये इंसिडेंट रे आएगी और ये ऐसे सीधे निकल जाएगी। ठीक है, कोई भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स यहाँ पर नहीं ऑब्जर्व होगा। क्यों नहीं ऑब्जर्व होगा, क्योंकि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेंड नहीं हो रही है, ना तो नॉर्मल की तरफ और ना नॉर्मल से दूर की तरफ जा रही है। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ की हेल्प से इसको समझेंगे। अकॉर्डिंग स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन। ठीक है, अब देखो हमने क्या लिया था, एन टू भी एन वन इक्वल टू भी एन है और एन टू इक्वल टू भी एन है क्योंकि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की वैल्यू सेम है। तो ये अब हम इसको लिखेंगे एन अपॉन एन और ये इक्वल टू हो जाएगा वन क्योंकि जो ऊपर की वैल्यू है वही नीचे की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सेम। और साइन आई इक्वल टू साइन आर और आई इक्वल टू आर। ठीक है, जब दोनों एंगल सेम होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी ये प्रूव हो गया क्या, दोनों एंगल सेम है, जब दोनों एंगल सेम होंगे तो रिफ्रैक्शन कहाँ होगा लाइट का, जो 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 इंसिडेंट रे थी वो सेम डायरेक्शन में बिना बेंड हुए चली जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब
no refraction, takes place when two media in contact have the same value of their refractive indices. ठीक है बच्चों, तो ये दोनों कंडीशन आप हमेशा याद रखेंगे कि कब रिफ्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है और कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी इन कंडीशंस के बारे में पूछा जाता है. ओके बेटे, थैंक यू.